Good morning, dear students. Today we are going to study the chapter number 23, collection and organization of data. Collection और पहले जानने की data होता क्या है? Data जैसे school में देखे हैं बच्चे students कितने student हैं, किस section में कितने student हैं, total class में कितने student हैं, ये सब data है school का. इसको बच्चों के date of birth क्या है, बच्चों के marks collection क्या है, marks क्या है, उनका पूरा डिटेल रखना, ये सब होता है डेटा का. और डेटा ये स्कूल का डेटा है, बच्चों का डेटा है, ये ऑर्गेनाइजेशन अब इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, एक क्रॉस लिस्ट बना के सभी बच्चों के मार्क्स इकट्ठे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन, सारे बच्चों के डेटा पर एक साथ देखना है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है. अब इसमें देखें हम सबसे पहले समझेंगे डेटा होता है दो टाइप का, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा क्या है, डेटा कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल और ए पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम डायरेक्टली इज कॉल्ड आर डेटा. जैसे बच्चों के एग्जाम दिए, बच्चों के जो मार्क्स आए वो सब हमने नोट कर लिए, वो सब क्या हो गया, प्राइमरी डेटा. अब क्या होगा, उनको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, वो सेकेंडरी डेटा हो गया. उसका हम यूज करेंगे किसके लिए, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में. फर्स्ट रैंक किसकी आई, सेकंड रैंक किसकी आई, थर्ड रैंक किसकी आई, इस टाइप से जो अरेंज करेंगे वो होता है सेकेंडरी डेटा. उसके बाद आता है अरे, अरेंज इज अरेंजमेंट, अरेंजिंग द डेटा इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज कॉल्ड अरे. टेबलेशन डेटा, डेटा की टेबल बनाने हम जैसे क्रॉस लिस्ट बनाते हैं. रेंज क्या होती है, रेंज होती है हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके है. मान लो 100 का एग्जाम हुआ, किसी स्टूडेंट के 99 आए हाईएस्ट है, और किसी स्टूडेंट के 11 मार्क्स आए, वो सब लोएस्ट है. तो रेंज क्या हो गया, 99 माइनस 11. तो रेंज की डेफिनेशन होती है, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट डेटा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट. दिस इज नॉन रेंज. 99 माइनस 11 88, रेंज विल बी 88. ओके, इस टाइप से डेफिनेशन आप बुक से लिख लेनी सारी. उसके बाद देखें आप एक्सरसाइज 23. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डेटा शो द हाउ मेनी रुपीज ई स्टूडेंट इन क्लास 7 ऑफ ए स्कूल स्पेंड इन स्कूल कैंटीन इन वन डे. स्कूल कैंटीन कितने स्टूडेंट ने क्या क्या खर्च किया वो दिया गया है आपको. उसको आप अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल. उसको अरेंज करिए और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए. देखें क्वेश्चन नंबर 1, उसका डेटा क्या है, 6 5 8 7 4. इसको अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. अरेंजिंग
इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले अगर उसको टेबलेशन कर ले तो ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे? यहां लिखेंगे हम मनी स्पेंड इन रुपीज, यहां लिखेंगे टैली मार्क्स, यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो कौन कौन से सबसे लोएस्ट क्या है, सबसे लोएस्ट लेवल दिख रहा है 2, हाईएस्ट दिख रहा है 10, सारा अरेंज करना पड़ेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए पहली बार लगाएंगे 3 पे लगा दिया हमने, 6 पर लगा दिया, 4 का टैली मार्क, 7, 7, 4, 4, 10, 10। Three, four, four, five, five, ten, ten, five, five, two, three. 2 को लगाया, 3 को लगाया, 6, 5, 6, 5, 8, 7, 8, 7, 4, 4, 7, 4, 5, 2, 2, 2। ये हो गया टैबलेशन ऑफ डेटा और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी हो गया। अगर इसको अरेंज करना ही चाहें असेंडिंग ऑर्डर में तो 2, 3 टाइम लग जाएंगे, 3, 5 टाइम लग जाएंगे, 4, 7 टाइम लग जाएंगे, इस प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली 2, 3, 4, 5 बाकी क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन में 5 में डेफिनेशन लिखनी है जो आपको पेज नंबर स्टार्टिंग में दी गई है, एंड सिमिलरली आप पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।